नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लाइफ और साइंस को रहस्यमय टॉपिक माना जाता है। इस पर जितना रिसर्च किया जाता है उतना ही इसका रहस्य बढ़ता जाता है, साथ ही हमारी जिज्ञासा भी। चाहे आप बच्चे हो या फिर बड़े, कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी रहस्यों में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है। आज हम आपको फैक्ट डोज में आपके लिए साइंस से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर वन, ट्रक के पीछे क्यों लिखते हैं हॉर्न ओके प्लीज? देखा सबने है, पर मतलब जानते हैं आप? आपने भी कई बार ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखा देखा होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ट्रक के पीछे से लिखने की खास वजह क्या होती है। ट्रक के पीछे का वाहन आगे जाने से पहले हॉर्न बजाता है। जब ट्रक वाले को लगता है कि वो ओवरटेक कर सकता है तो आगे कोई दूसरा वाहन नहीं होता, वो तभी ओके करके इंडिकेटर देता है। इसके बाद ही पीछे के वाहन वाला आसानी से आगे जा सकता है। इस तरह हॉर्न ओके प्लीज का मैसेज एक्सीडेंट होने से रोकता है। नंबर टू, अंटार्कटिका के बर्फ के पहाड़ सफेद से हरे रंग के क्यों हो रहे हैं? ऐसा देखा गया है कि तटीय अंटार्कटिका में बर्फ का कुछ हिस्सा हरा हो रहा है। कुछ सालों से हरी बर्फ की एक छोटी मात्रा दिखाई देती थी, लेकिन अब ये पूरे महाद्वीप में फैल रही है। इसका कारण क्या है? आखिर अंटार्कटिका हरा क्यों हो रहा है? तो आपको बता दें, इसका कारण वही है जो हम सबकी चिंता का विषय है। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज। इस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि वहाँ की बर्फ अब सफेद से हरी होने लगी है। नंबर थ्री, इंसानों से कम नहीं गधों का IQ लेवल किस बात से करता है सबसे ज्यादा नफरत? गधे ऐतिहासिक तौर पर इंसान के सबसे पुराने पालतू साथियों में से हैं। आमतौर पर गधों को उनके शांत स्वभाव और कम बुद्धि के लिए जाना जाता है। कई मुल्कों में लोगों पर कम बुद्धि के लिए गधे जैसा ताना मारा जाता है, लेकिन आप हैरान होंगे ये जानकर कि गधों की बुद्धि कम नहीं होती है, ना ही उनका इंटेलिजेंस कम होता है, बल्कि इंसान से मैच भी करती है। विज्ञान के शोधकर्ताओं ने ये शोध किया है और बताया है कि इनका IQ लेवल तकरीबन 27% तक होता है और कभी कभी इंसानों से ज्यादा होता है, जबकि मनुष्यों के लिए यह 33% सबसे ज्यादा होता है। नंबर फोर, अगर दुनिया के सारे लोग एक साथ कूदे तो क्या धरती पर कोई असर पड़ेगा? हम धरती को जैसा देखते आए हैं उसी तरीके से हमें उसे देखने की आदत है। हम इस पर आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर कुछ भी जरा सा इससे हटकर हो जाए तो क्या होगा? ऐसा एक दिलचस्प सवाल यह है कि धरती पर मौजूद लोग अगर एक साथ कूद पड़े तो क्या होगा? वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मामले में कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये विशाल रेगिस्तान में घूम रहे एक छोटे कीड़े की तरह होगा, यानी धरती थोड़ी सी हिलेगी लगभग किसी हाइड्रोजन परमाणु से भी कम असरदार तरीके से। सीधे तौर पर मान लें तो 8 अरब से ज्यादा लोग भी अगर अचानक धरती पर एक साथ कूद दे तब भी धरती को कुछ नहीं होगा। नंबर फाइव, चम्मच हमारे घरों तक कैसे पहुंचा? चम्मच हर भारतीय के घर में होता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर यह आया कहां से? इसका आविष्कार कब और कहां हुआ? रिपोर्ट के मुताबिक पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि पहला चम्मच 1000 ईसा पूर्व में बना था। तब इसे मुख्य रूप से सजावट या फिर धार्मिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक पहले मिस्रवासी लकड़ी के और पत्थर के चम्मच उपयोग किया करते थे, काफी प्रभावशाली होते थे। यूरोप में मध्ययुगीन काल की शुरुआत तकरीबन 1492 ईसा पूर्व में सींग, लकड़ी और पीतल के चम्मच तैयार किए जाने लगे और फिर बाद में धीरे धीरे ये चलन और बढ़ता चला गया। तो ये तो थे आज के कुछ मजेदार और मिस्टीरियस फैक्ट्स। ऐसे ही और फैक्ट्स लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा और बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।